नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। डेली जीके में आपका स्वागत है। देखिए, पहले मैं क्या करता हूँ, चार आपके करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछता हूँ, जो कि अभी लेटेस्ट है करंट अफेयर, तो वो पहले पूछ लेते हैं और फिर उसके बाद मैं आपको डेली जीके बताऊंगा और इन जो चार क्वेश्चन हैं इनके आंसर सबसे लास्ट में दूंगा, ठीक है? तो पहले आप चार क्वेश्चन के आंसर दीजिए। अभी एशिया मीडिया सम्मेलन 2018 हुआ है, उसका 15वां संस्करण हुआ है, उसकी थीम क्या है? पहली बात तो वो कहाँ पे हुआ है और उसकी थीम क्या है, दोनों चीज़ें याद रखनी चाहिए आपको। फिर 2018 का विश्व रोबोट सम्मेलन ये किस देश में होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने डिजिटल इंडिया जो इंटर्नशिप योजना की वेबसाइट की है किस शहर में लॉन्च की है, ठीक है? और अभी सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो फोर्ब्स लिस्ट आई है उसमें नंबर वन पे कौन है, और नरेंद्र मोदी जी जो हैं हमारे भारत के प्राइम मिनिस्टर वो कितने नंबर पे हैं, जल्दी से बताइए चारों आंसर। इन सब के आंसर मिलेंगे आपको इस वीडियो के एंड में। अब चलो जीके की चालू कर लेते हैं। आज हम देखेंगे भारत के राष्ट्रपति के बारे में और नदियों के प्राचीन और आधुनिक नाम इंग्लिश हिंदी दोनों में लिखे हुए हैं, प्लस बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कैटरिंग रिफ्रैक्शन और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के यूजेस जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार आते हैं, ठीक है? हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है, कोई टेंशन की जरूरत नहीं, सब कुछ बताया जाएगा, ठीक है? डेली आपको जीके होती है 8 बजे, 8 बजे डेली जीके होती है, 8 PM पे आपको चैनल पे मिल जाएगी ये, और आपको 9:30 बजे डेली होती है लाइव क्विज, तो 9:30 बजे लाइव क्विज ना देखना भूलिएगा, ठीक है? देखिए हमारा फ्री वाला जो टेलीग्राम चैनल है इसको तुरंत ज्वाइन कर लीजिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? सब कुछ यहाँ मिल रहा है, वीडियोस और PDF सब कुछ। चलो इसमें स्टार्ट करते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति देखिए अभी तक हो गए हैं टोटल 13, ये 12 नंबर गलत लिखा हुआ है, अभी तक कितने हो चुके हैं, 13 हो चुके हैं। अगर आप देखेंगे तो जो हमारे इस समय के प्रेजेंट हैं वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू जी, वो कौन से नंबर के हैं, 13वें नंबर के हैं, ठीक है? अगर पहले पहले की बात की जाए तो पहले सबसे थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इनको फिलोसफी में बड़ा इंटरेस्ट था और इनको इसीलिए, ये बाद में जब राष्ट्रपति बने थे तो फिलोसफर प्रेसिडेंट भी बोलते हैं इनको। फिर डॉक्टर जाकिर हुसैन आए थे, ये देखिए सर्वपल्ली राधाकृष्णन और आपके भैरो, ये सॉरी मोहम्मद हामिद अंसारी, ये दोनों ही अभी तक ऐसे वाइस प्रेसिडेंट हैं जिनको 2 कार्यकाल मिले हैं, मतलब 5 5 साल के 2 कार्यकाल, ठीक है? तो ये आप याद रखिएगा। फिर एक एक और फैक्ट है कि जैसे अभी तक 2 ऐसे आपके वाइस प्रेसिडेंट हुए हैं जो कि सिर्फ ये मतलब पॉलिटिशियन नहीं थे, पहले वो क्या थे, वो पहले IAS ऑफिसर्स थे, एक उनमें से हैं ये मोहम्मद हामिद अंसारी और एक हैं शंकर दयाल शर्मा। तो कुछ कुछ फैक्ट हैं वो भी मैंने लिखे हुए हैं इसमें, आप पहले इनको देख लीजिए क्रम वाइज। नंबर वन पे कौन राष्ट्रपति थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, 1952 से लेकर 1962 तक बने 2 बार लगातार, ठीक है? नंबर टू पे फिर बने जाकिर हुसैन, तो पर्सन वाइज अगर आप देखेंगे तो वेंकैया नायडू जी 13वें नंबर पे हैं, ठीक है? जाकिर हुसैन कब से बने, 62 से लेकर 67 तक। फिर वरागिरी वेंकट गिरी यानी कि वीवी गिरी बने 67 से लेकर 69 तक। फिर गोपाल स्वरूप पाठक बने 69 से 74 तक। फिर BD जट्टी बने आपके ये 5वें थे, ठीक है? तो ये 74 से लेके 79 तक। और फिर मोहम्मद हिदायतुल्ला आपके 5 साल के लिए, और फिर उसके बाद आर वेंकट रमन बने आपके 84 से 87। फिर शंकर दयाल शर्मा, फिर KR नारायणन, फिर कृष्णकांत, फिर भैरव सिंह शेखावत, फिर मोहम्मद हामिद अंसारी और वेंकैया नायडू फिर अभी बने हैं, ठीक है? मोहम्मद हामिद अंसारी ने 2 टर्म लगातार किए हैं। अब देखिए ये हो गई हिंदी में बात, अब चलो इंग्लिश में कुछ फैक्ट देख लेते हैं। ये हिंदी में ही बताऊंगा मैं, हालांकि ये वाली चीज़ों का हिंदी में मिल नहीं रहा था इसका, तो इसीलिए मैं इसको इंग्लिश में ले आया, कम से कम आपको बता दूंगा पूरा, बस एक बार सुन लो इसको बस, ठीक है? देखिए पहले वाइस प्रेसिडेंट कौन थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, ये आपको पता ही है, ठीक है? उन्होंने 52 से लेकर 62 तक सर्व किया, और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन फिर उसके बाद प्रेसिडेंट भी बने, ठीक है? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन ऐसे पहले व्यक्ति थे जो कि प्राइस वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट दोनों बने, तो ये आप याद रख सकते हैं। अभी तक देखिए टोटल 13 12 बन चुके हैं, 13वें तो हैं वेंकैया नायडू जी, ठीक है? उसके बाद अगर आप देखेंगे 7 अभी वाइस प्रेसिडेंट अभी तक ऐसे हुए हैं जो कि प्रेसिडेंट के पोस्ट तक गए हैं, वो जो बाकी 6 बचे वो नहीं गए, जैसे गोपाल स्वरूप पाठक, BD जट्टी, मोहम्मद हिदायतुल्ला और कृष्णकांत और भैरव सिंह शेखावत और हामिद अंसारी, ये लोग राष्ट्रपति नहीं बने अभी तक। 2 वाइस प्रेसिडेंट ऐसे हैं जिन्होंने 2 टर्म किए हैं, जैसे कि एक आपके एस राधा कृष्णन हो गए और हामिद अंसारी हो गए, 2 लोग हैं ये। फिर देखिए जो जिन जिनको बोला जाता है बहुत ही बड़े थिंकर फिलोसफर थे हिंदू कल्चर से रिलेटेड, एस राधा कृष्णन है, 2 प्रेसिडेंट अभी तक वो पॉलिटिशियन नहीं रहे हैं, वो ब्यूरोक्रेट्स थे, मतलब IFS ऑफिसर्स थे, उन्होंने खुद सिविल सर्विसेज वाले एग्जाम निकाले हुए हैं, KR नारायणन और हामिद अंसारी।
फिर देखिए एक इकलौते प्रेसिडेंट जिन्होंने फॉरेन नेशनल से शादी की है वो है के आर नारायणन। और उसके बाद फिर जो ऐसे प्रेसिडेंट जो पहले चीफ मिनिस्टर के तौर पे काम कर चुके हैं शंकर दयाल शर्मा, ठीक है, एक इकलौते जो प्रेसिडेंट हैं अभी तक बीजेपी में बिलोंग करते हैं भैरव सिंह शेखावत। अब दूसरे कौन से हो गए, ये हमारे विंग जो अभी प्रेजेंट में है, ठीक है, 13 नंबर के, तो ये आप याद रख सकते हैं। फिर देखिए और अगर कुछ बात करें फैक्ट्स की, तो जैसे अभी तक कौन से ऐसे वाइस प्रेसिडेंट हैं जो लॉयर थे, वो गोपाल स्वरूप पाठक और मोहम्मद हिदायतुल्ला और आर वेंकटरमन, ठीक है। फिर एक ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है आपसे एग्जाम में, कि इकलौते ऐसे कौन वाइस प्रेसिडेंट या उपराष्ट्रपति थे जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो संविधान सभा बनी थी उसके भी मेंबर थे, वो थे आर वेंकटरमन, ठीक है। फिर आपके ये पूछा सकता है कि कौन उपराष्ट्रपति ऐसे थे जो को फाउंडर मेंबर थे जामिया मिलिया इस्लामिया के, तो वो कौन थे आपके, जाकिर हुसैन, ठीक है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे ये। उसके बाद है देखिए कि इकलौते प्रेसिडेंट जिन्होंने प्रेसिडेंट की पोस्ट का लड़ा इलेक्शन लेकिन वो नहीं जीत पाए, तो ये हैं भैरव सिंह शेखावत, ठीक है। तो चलो अब इसके बाद नदियों के प्राचीन और आधुनिक नाम देख लेते हैं हिंदी इंग्लिश दोनों में, ठीक है, दोनों अगल बगल लिखा हुआ है। देखिए सिंधु का नाम अब इस समय क्या है, इंडस है, ठीक है। झेलम को पहले क्या नाम बोलते थे, वितास्ता, ठीक है। फिर ये चेनाब का है अस्किनी, राबी को क्या बोलते थे, पुरुषनी। ब्यास जो है इस समय उसको पहले विपाशा बोलते थे या विपाश बोलते थे, और बल्कि उसमें और भी नाम थे ब्यास रिवर के, उरंजीरा और अरिजी किया ये भी नाम थे, ठीक है। सतलुज को पहले सुतुद्री बोलते थे, गोमती को गुमल या फिर गोमल बोलते थे, ठीक है। कुर्रम बोलते थे, कुर्रम नदी को पहले कुरमू, घग्गर को दृष्टावती और स्वात को सुवस्तु, वही चीज़ें हिंदी में भी लिखी हुई हैं आप देख लीजिए। अस्किनी प्राचीन नाम किसका है, चिनाब का। पोरोसनी है आपका राबी का, वितास्ता है झेलम का, सदानीरा है गंडक का, कुरमू है कुर्रम का, और शतुद्री है सतलज का, विपाशा है व्यास का, घग्गर है सरस्वती का, ठीक है। अब सरस्वती तो है ही नहीं इस समय, तो ये तो है ही नहीं, ठीक है, तो ये आप याद रख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद देखिए ये कुछ जो ऑप्टिकल फिनोमिना है और उनके यूजेस एक्चुअली एग्जाम में पूछ लेते हैं, जैसे पूछ लेंगे आपसे कि जो ब्लू कलर होता है आकाश का, स्काई का ब्लू कलर किसकी वजह से होता है, तो वो किस फिनोमिना की वजह से हो रहा है, स्कैटरिंग या फिर हिंदी में बोलते हैं प्रकीर्णन, इसीलिए हिंदी इंग्लिश साथ में लिखा हुआ है, ठीक है। तो स्कैटरिंग के यूजेस कहाँ कहाँ पे हैं, कि जब आपका सनसेट और सनराइज होता है उस टाइम जो सूर्य का लाल रंग होता है, जो रेड कलर होता है, वो किसकी वजह से होता है, वो स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से होता है, इसका ये मतलब है। जो आपका आकाश का नीला रंग आपको दिखता है वो किस किस फिनोमेना की वजह से दिखता है, वो स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से दिखता है, ठीक है। फिर ट्रैफिक सिग्नल का जो लाल रंग दिखता है वो किसकी वजह से दिखता है, वो आपका स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से दिखता है। तो ये कुछ इसके एग्जाम्पल्स हैं, यूजेस हैं। अब जैसे रिफ्रैक्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं, अपवर्तन। इसमें क्या होता है कि देखिए जो हमको मतलब एग्जैक्टली जब सनसेट होता है, सनराइज होता है, ठीक है, उससे कुछ मिनट पहले ही हमको सूर्य दिखाई देने लगता है, तो वो किसकी वजह से होता है, रिफ्रैक्शन। देखिए रिफ्रैक्शन का मतलब ये है कि मान लीजिए कोई लाइट जा रही है, ठीक है, और वो अगर दूसरे मीडियम में इंटर हुई तो वो बेंड हो जाती है अपने डायरेक्शन से, मतलब उसको आना इधर चाहिए था लेकिन वो इधर आ गई, तो ये जो बेंडिंग होती है यही रिफ्रैक्शन का फिनोमिना है। तो यही होता है एक्चुअली जब ये सन को हम देखते हैं सनराइज और सनसेट में, तो जो लाइट है वो रिफ्रैक्ट हो जाती है, सॉरी यहाँ पे रिफ्रैक्ट है, ठीक है। रिफ्लेक्ट का मतलब तो ये होता है कि लाइट ऐसे आ रही है और यहाँ से फिर निकल गई इधर, तो उसने पूरा डायरेक्शन नहीं चेंज कर दिया, रिफ्लेक्ट हो गई वो। रिफ्रैक्ट का मतलब वो उसका सीधा जो आपका चल रहा था उसको डायरेक्शन को चेंज कर दिया, बेंड हो गई मतलब, ठीक है। तो ये है, और जो ये आप देखेंगे जो सनसेट और सनराइज के टाइम पे, बिकॉज ये जो लाइट होती है वो अर्थ के एटमॉस्फेयर से रिफ्रैक्ट हो जाती है, यानी कि उसका क्या हो जाता है, अपवर्तन हो जाता है, इसलिए जब सूर्योदय होने वाला होता है या सूर्यास्त होने वाला होता है उससे हमको पहले ही दिख जाता है, ठीक है, क्योंकि लाइट आ गई यहाँ तक तो हमको दिख गया, बस ये बात समझ में आई। और उसके बाद देखिए जो सन और मून होते हैं इलेप्टिकल भी, वो लोग इसीलिए दिखते हैं क्योंकि रिफ्रैक्शन की फिनोमिना की वजह से। अब देखिए क्वेश्चन आपका यही आएगा डायरेक्टली, मान लो यही आपसे पूछ सकते हैं कि वी कैन कि सन कैन बी सीन इवन जस्ट बिलो द ओरिजन हॉरिजन, ठीक है, एट बोथ सनराइज एंड सनसेट।
तो ये किस वजह से होता है, दिस इज बिकॉज ऑफ, और फिर को फिल इन द ब्लैंक्स दे दें और उसके बाद चार ऑप्शन दे दें आपको, तो किसकी वजह से हो रहा है, वो रिफ्रैक्शन की वजह से हो रहा है। जो अब ये क्वेश्चन आ सकता है कि सन एंड मून अपियर इलिप्टिकल अब नियर द होरिजन ड्यू टू दे देंगे, फिर आपको चार ऑप्शन लिख देंगे, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन, ऐसे करके चार ऑप्शन दे देंगे, उसका ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट, रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन के यूजेस क्या क्या हैं कि सर सूरज जो है वो पहले दिख जाता है, प्लस आपका जो इलिप्टिकल साइज होता है वो भी दिख जाता है, वही हिंदी में लिखा हुआ है यहाँ पे दीर्घ वृत्ताकार। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसके यूजेस बहुत बार पूछे जा चुके हैं, मरीज का यानी कि मिराज, ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का ही एप्लीकेशन है। कटे हुए हीरे डायमंड हो गए आपके, ऑप्टिकल फाइबर हो गया, और एंडोस्कोप द्वारा जो मरीज का परीक्षण करते हैं वो भी आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का एग्जाम्पल है। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आज डिस्कस की है, यूपी पीसीएस के लिए ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे से बहुत बार क्वेश्चन आ चुके हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में बता दिया है। और ये जो है आपका नदियों का नाम, ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। अब उसके आंसर देख लेते हैं, जो चार क्वेश्चन दिए थे मैंने शुरू में, आंसर क्या है इसके, एशिया मीडिया सम्मेलन इंडिया में हो रहा है, 15वां संस्करण है इस समय, और इसका थीम क्या है, टेलिंग आवर स्टोरीज एशिया एंड मोर। दूसरा क्वेश्चन का आंसर है विश्व रोबोट कहाँ हो रहा है, चाइना में हो रहा है। तीसरा क्वेश्चन है आपका, केंद्र सरकार ने डिजिटल इंडिया पार्टनरशिप इंटर्नशिप की जो योजना की वेबसाइट है वो कहाँ पे की है, दिल्ली में की है। फोर्ब्स लिस्ट में नंबर वन पे कौन है, शी जिनपिंग, और नंबर नाइन पे हैं मोदी जी। ठीक है, तो आज की जीके इसी के साथ खत्म होती है, कल मिलेंगे 8 बजे एग्जैक्टली, और 9:30 बजे अभी आपको क्विज मिलेगी। ठीक है।